वेलकम टू ऑल ऑफ दी, स्वागत है तुहाडे अपने चैनल विच। तुसीं देख रहे हो MSW स्टडी और गल करांगे अज दे लैक्चर दी। लैक्चर नंबर हैगा 4। इस तो पहले अपने 3 लैक्चर बन चुके हैं पंजाब जीके दे, जिन्हां ने वो 3 लैक्चर नहीं देखे तां जरूर देखो। और मैं तुहानूं दस्सदा पंजाब जीके तुहाडे लई किन्नी बेनीफिशियल हैगी है। लगभग 15 तों 20 नंबर की पंजाब जीके हर एक पंजाब दे पेपर च पुछी जांदी है। BDO का जिहड़ा पेपर 792 पोस्टां सी ओह आ चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंटां वास्ते, ठीक है। 18 नूं पेपर होण जा रहे हैं, 18-9 नूं, ठीक है। उस दे विच पंजाब जीके दे विच पुछी जाएगी, एक भी क्वेश्चन तुहाडे तों बाहर नहीं आएगा जेकर तुसीं अपने चैनल दे सारे लैक्चर फॉलो करोगे। MSW स्टडी नूं अज ही फॉलो कर लो। इस तों पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर इनवेस्टिगेशन, ठीक है, आने वाले क्लर्क के जिन्हें भी एग्जाम है या फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम है तो उन्होंने पंजाब जीके पूछी हैगी, तो सारी कंप्लीट करा दी है एक एक। सो पहला क्वेश्चन है किड़े शहर नूं पंजाब की स्टील सिटी कहा जाता है। द राइट आंसर की जलंधर होएगा, लुधियाना होएगा, मंडी गोविंदगढ़ होएगा, पटियाला होएगा। द राइट आंसर इसका क्योंगा सी, मंडी गोविंदगढ़। तुसी वीडियो नूं पॉज करना, पॉज करके थोड़ा जा अपना आंसर सोचना ते कमेंट बॉक्स दे विच जरूर कमेंट करियो। वीडियो वधिया लगी तां एंड तक लाइक शेयर भी जरूर कर दियो। पंजाब दा राजपाल कौन है? पंजाब दा राजपाल कौन है? प्रकाश सिंह बादल नहीं होएगा, बनवारी लाल पुरोहित बिल्कुल राइट आंसर बी ही होएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं होएगा, प्रशांत किशोर नहीं होएगा, आंसर होएगा बी, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होएगा बी। अगला, पंजाब दा सब तो वड्डा शहर केड़ा है? पंजाब का सब तो बड़ा शहर केड़ा है खेत्र के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार पूछ लेंगे कई बार, ठीक है, तो खेत्र के अनुसार वह लुधियाना, लुधियाना राइट आंसर होगा बी, ठीक है। देखो लुधियाना जनसंख्या के पक्षों भी बड़ा है, खेत्र के पक्षों भी बड़ा, दोनों चीजा याद रखनिया ने, ठीक है, खेत्र के पक्षों भी जनसंख्या के पक्षों। अगला, नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की औसत साखरता किन्नी सी? औसत साखरता किन्नी सी, ठीक है, एवरेज साखरता किन्नी सी? तो राइट आंसर होगा 70.24, 69.65 और 75.84 या 68.74। राइट आंसर होगा सी, 75.84 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किहड़े पंछी नूं पंजाब दा राज पंछी कहा जाता? किहड़े पंछी नूं पंजाब दा राज पंछी कहा जाता है? बाज नूं, मोर नूं, चिड़ी नूं, कबूतर नूं। राइट आंसर होगा ए, बाज नूं पंजाब दा राज पंछी कहा जाता है। इस तो पहला जिन्होंने 3 लैक्चर नहीं देखे जरूर देखियो, तुहाडा पंजाब दी जीके जो 15 दे 15 नंबर जिहड़े, जे 15 पुछे जांदे तां 20 क्वेश्चन पुछे जांदे तां पूरे दे पूरे अंक तुसीं लै सकदे हो इन्हां क्वेश्चनां दे राहीं। अमृतसर शहर की स्थापना किस साल हुई? राइट आंसर की होएगा? अमृतसर शहर की स्थापना किस साल हुई? बिल्कुल राइट आंसर होगा 1575, डी आंसर इसका राइट होगा। अगला, नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते, नेक्स्ट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते है, तुसीं देख सकते हो। चिट्टा लहू, चिट्टा लहू किस ने लिखिया? राइट आंसर होगा नानक सिंह, सी आंसर होगा। कई बार पूछ लेंगे कि सीधी टिकट किसकी रचना है, तो होंगी है अमृता प्रीतम की, ठीक है। तो शिव कुमार बटालवी दी रचनावां भी पूछ लेंगे, ठीक है, रुखे की कविता एक वह पूछ लेंगे, होर भी शिव कुमार बटालवी दी बहुत सारी रचनावां जिहड़ियां पूछियां जांदियां, गुरबख्श प्रीत लहरी की स्वै जीवनी बारे पूछ लिया जाता। चलो जी अगे, भाखड़ा डैम किस नदी से स्थित है? भाखड़ा डैम किस नदी से स्थित है? कल भी क्वेश्चन किया, राइट आंसर होगा सी, सतलुज नदी से। होला मोहल्ला त्यौहार किस समय मनाया जाता है? होला मोहल्ला त्यौहार किस समय मनाया जाता है? अमृतसर यह मतलब किस समय नहीं होगा, कितने मनाया जाता है? क्वेश्चन थोड़ी जी गड़बड़ी है क्वेश्चन के, होला मोहल्ला त्यौहार किस समय मनाया जाता है? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾਮਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੀ, ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SGPG ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SGPG ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1920,
ठीक है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना कदों हुई, इसका मतलब की है श्रोमणी गुरुद्वारा, कई बार लिख देते हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ठीक है राइट आंसर होगा 1920, 1920 दे विच स्थापना हुई। अगे पंजाब की सब तो वड्डी अनाज मंडी केड़ी है, ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना किसने की थी, कमेंट करके जरूर दस्सिओ। पंजाब की सब तो अनाज वड्डी वड्डी मंडी केड़ी है, मोगा, खन्ना, लुधियाना, गुरदासपुर। राइट आंसर की होगा खन्ना, खन्ना मंडी सब तो वड्डी है। पंजाब अते पैप्सूदार लेमा किस साल होया, पंजाब अते पैप्सूदार लेमा किस साल होया, राइट आंसर की होएगा 1934, 56, 67, 2003, राइट आंसर होगा 1956। 1956 दे विच जिहड़ा पैप्सू भाग सी पंजाब दा, ठीक है ये आप दोनों मिल गए, पंजाब ते पैप्सू इकट्ठे हो गए, तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते है, पंजाब दा मानचेस्टर केड़ा शहर है, पंजाब दा मानचेस्टर केड़ा शहर है, मोगा, अमृतसर, लुधियाना, होशियारपुर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया सी लुधियाना। पंजाब दा पुराना नाम की सी, सब सिंधु, पंजाब, पंच दरियाई जां सप्त सप्तऋषि, तो पंजाब दा पुराना नाम की सी, पहला भी क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट आंसर होगा सप्त सिंधु, सत्त दरियावां दी धरती हुंदी सी पहला पंजाब, पहला सत्तवां दरिया किहड़ा हुंदा सी, एक सिंध हुंदा सी, पंज तां अज भी ने, ठीक है जिहड़े पंज बारे तुसीं जाणदे हो, एक सरस्वती, सरस्वती ते सिंध नूं जोड़ के सत्त दरियावां दी धरती बन जांदी सी। चलो जी पंजाब दा पुराना नाम की है, एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, एक बार छड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 17 दा आंसर करो की होगा, गुरु गोबिंद सिंह जी दे ज्योति जोत समाउण तों बाद सिखां ने किस दे अधीन बगावत की, निहाल सिंह, रणजीत सिंह, चिंदन कौर और बंदा सिंह बहादुर। गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद सिखां ने किस दे अधीन बगावत की सी, बंदा सिंह बहादुर ने सिखां दी अगवाई की सी, ते बंदा सिंह बहादुर नदेड़ दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी नाल मुलाकात हुई सी। कई बार पूछ लेंदे कि गुरु गोबिंद सिंह जी की मुलाकात बंदा सिंह बहादुर नाल कित्थे हुई, नदेड़ दे विच हुई, उत्थों ही पंजाब दे सिखां लई हुक्मनामे लैके बंदा सिंह बहादुर पंजाब वल आया, गुरु गोबिंद सिंह जी दे हुक्मनामे लैके पंजाब वल आया सी, ठीक है। चलो जी अगे नैक्सट, मशहूर रोमांटिक महाकाव हीर रांझा किसने रचिया, मिर्जा साहिबा ने, मिर्जा गालिब, माफ करना, मिर्जा गालिब, मसीम शाह, वारिस शाह, फिरदोसी, वार शाह ने लिखिया सी, ठीक है। हीर रांझा किस्सा किसने लिखिया, वारशाह दी हीर तुसीं सुणिया होगा, कित्थे लिखिया सी उहने, मलक हंस पिंड दे विच बह के लिखिया सी, मलक हंस पिंड दे विच बह के लिखिया सी, राइट आंसर सी होगा। अगे अमृतसर दी संधि कदों हुई, अमृतसर दी संधि कदों हुई, 1805, 1806, 1809, 1707, इसका राइट आंसर की होएगा, अमृतसर दी संधि कदों हुई, बिल्कुल राइट आंसर होगा 1809 दे विच अमृतसर दी संधि हुई, ठीक है जी। चलो नैक्सट क्वेश्चन, लाहौर विखे 1848 दे सिख विद्रोह की अगवाई किसने की, लाहौर विखे 1848 दे सिख विद्रोह की अगवाई किसने की, महाराज रणजीत सिंह, शेर सिंह, बदन सिंह, चतर सिंह, अत्रवासी। तो राइट आंसर इसका की होगा नंबर 4, चतर सिंह अत्रीवासी ने की थी, ठीक है। ये अज के अपने 20 क्वेश्चन, इस तरह लैक्चर हर रोज कंटिन्यू लैक्चर अपना लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बैल गाइन का बटन दबलो, तो इस अलावा जेकर तुम बहुत सारे पेपर की तैयारी कर रहे हो, पंजाब हिस्ट्री की पूरा जरा तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो PSTET की तैयारी करना चाहते हो, पंजाब पुलिस की तैयारी करना चाहते हो, अपना ऐप है MSW Study, MSW Study ऐप को डाउनलोड कर लो, जिथे तुम बहुत ही घट फीस से फुल प्रैपरेशन के कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। पंजाब पुलिस का कोर्स सिर्फ 1500 के ऑफर चल रहा है, कुछ के दिन वास्ते ही है, ठीक है, फुल कोर्स ले सकते हो, सारे के सारे सब्जेक्टों की तैयारी कर सकते हो, ETT वाले 99 पोस्टा आ रही हैं, ठीक है, 99 पोस्टा वास्ते तुम सिर्फ 1500 का कोर्स लेके लगभग 6 के 6 सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। इस तो अलावा PSTET आने वाला, ठीक है, PSTET की तैयारी सिर्फ 1500 के ऑफर चल रहा है, तो SST वाले जो SST BEd वाले कर सकते हैं, और ETT वाले PSTET की तैयारी 90 अंकों की कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस सैकोलॉजी, पंजाबी और इंग्लिश पैडागोजी वो भी कर सकते हैं। सो वीडियो वधिया लगे लाइक करो, शेयर करो, मिलेंगे नेक्स्ट किसी होर वीडियो के, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।